कभी भी लोटे से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन जितनी आप यहां बैठे जो मुझे सत्संग चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, आप में से भी 90% लोग लोटे से ही सूर्य को जल देते हैं। अतिथि को जल पिलाने के लिए, सूर्य को जल अर्घ देने के लिए और शिवलिंग पर अखंड जल धारा चढ़ाने के लिए लोटे से दिया गया जल का फल एक गुना होता है, पर टोंटी वाले लोटे से सूर्य को अर्घ देने पर, शिवलिंग को अखंड जल धारा चढ़ाने पर आए वे अतिथि का सत्कार टोंटी वाले लोटे से चरण धोने पर या जल पिलाने पर लाखों गुना फल प्राप्त होता है। और इस टोंटी वाले लोटे को धर्म शास्त्रों में अर्घ कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्घ। और अर्ध उसको कहते हैं जो पूजा का जल पवित्र होता है। टोंटी वाले लोटे तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को जब भी जल देना हो, अर्घ देना हो, आप सूर्य उदय से पहले भी दे सकते हैं, सूर्य उदय के समय भी दे सकते हैं, और देरी हो जाए फिर भी आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। बस इतना है, सूर्य उदय के एक घंटे तक यदि तुमने सूर्य को अर्घ दिया तो 3 बार में अर्घ दिया जाता है, लेकिन सूर्य उदय का 1 घंटे के बाद ना 2.5 घड़ी से ज्यादा देर में अगर आपने सूर्य को अर्घ दिया तो 4 बार अर्घ देना चाहिए, शिवलिंग को अखंड जल धारा चढ़ानी चाहिए। पर सूर्य को अर्घ देते समय अपने लोटे को, जल के लोटे को हिलाते रहना चाहिए ताकि जल की धारा ना बहे। दूसरा, कभी भी सूर्य को पृथ्वी के ऊपर जमीन पर, नंगी जमीन पर कभी भी सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए। या तो किसी गमले में या किसी पात्र में पेड़ पौधे की जड़ में सूर्य का अर्घ देने पर ही सूर्य उस अर्घ को स्वीकार करती है। और यदि आपके पास कोई पौधा नहीं है, गमला नहीं है, पेड़ पौधा नहीं, तो भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए नीचे जमीन पर कोई थाली रख लो, कोई किनारे वाली प्लेट रख लो, ताकि तुम्हारे द्वारा दिया गया सूर्य का जल उस थाली से बाहर ना गिरे। लोटे को हिलाते रहिए और जितने जल देते समय छींटे तुम्हारे शरीर को लगेंगे, उतने ही पापों से तुम्हारा शरीर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, जीवन की शक्ति को प्राप्त हो जाएगा और नारायण की भक्ति का प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात, सूर्य को अर्घ देते समय हमेशा अपने कंधों के सामने, अपने हृदय के सामने दोनों हाथों में टोंटी वाला लोटा जल का भरकर, और यदि किसी के घर में बीमारी है, कमाई बेकारी है, कर्ज हो गया है, मर्ज हो गया है, सर्च हो गया है, तो उस अर्घे में जल के, अर्घे के सूर्य के जल में आप लाल चंदन घिसा हुआ आप डाल करके और लाल फूल डाल करके आप सूर्य को अर्घ दे दिया करें, जिंदगी में घर में बीमारी नहीं आएगी, बेकारी नहीं आएगी, लाचारी नहीं आएगी, महामारी नहीं आएगी, जीवन में कभी किसी की ताबेदारी नहीं आएगी।